पढ़ती नहीं हूँ कुछ, ना किसी चीज़ को इफेक्ट होने देती हूँ. लोगों का क्या है, क्योंकि वो शायद वेले हैं. एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी वॉट आई एम डूइंग नेक्स्ट. अभी भी बेचारे बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, बिकॉज मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जहाँ मैं बाद में सोचूं, ओ आई कुड हैव डन बेटर. ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी, क्योंकि बहुत आई मीन इट्स अ बिग 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 एप्रिसिएशन टू मी इन टर्म्स ऑफ यू नो, इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ रिस्क मैं बोलूँगी जो मैं रिस्क लेती हूँ लाइफ में, चाहे वो मेरे कैरेक्टर्स हों, चाहे वो फैशन ट्रेंड्स क्यों ना हो. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा सरप्राइज करूँ अपने आप को, आउट ऑफ द बॉक्स सोचूँ और रिस्क लूँ. तो उसके लिए मिला है, एंड आई थिंक वो जो मैं करती आई हूँ उसके लिए जो आज मिला है वो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सफल हुआ है. इससे क्या होगा, मुझे यही इंस्पिरेशन मिलेगी दैट आई हैव टू वर्क हार्डर टू डू मोर इंस्पायरिंग थिंग्स. सो या पढ़ती नहीं हूँ कुछ, ना किसी चीज़ को इफेक्ट होने देती हूँ. द काइंड ऑफ पर्सन आई एम बहुत लोग जानते हैं, मेरे फैंस जानते हैं, मुझे ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं. और क्योंकि क्या है, इससे अच्छा मैं अपनी एनर्जीज़ कहीं अच्छी चीज़ों में लगाऊं, ये सोचूं कि आगे मुझे क्या ऐसा नया करना है, चाहे वो मेरे काम को लेके हो, चाहे वो यू नो एनीथिंग दैट आई कैन कंट्रीब्यूट टू माय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. लोगों का क्या है, क्योंकि वो शायद वेले हैं तो करेंगे जो उन्हें करना है. बट आई विश एवरीबडी गुड लक. फैशन की बात करें तो आप हमेशा ही ट्रेंड करते हैं, या आईडिया अवार्ड हो, आज हो, कभी भी हो, हमेशा ही ट्रेंड करते हैं. सो क्या राज है उसका, जो हमेशा मेरे फैंस वही राज है. कोई लुक आउट आता है, कोई उनको पता चलता है मैं परफॉर्म कर रही हूँ, दैट इज़ अ काइंड ऑफ लव आई हैव फ्रॉम द सुरभि चांदना फैंस एंड फैंस ऑल ओवर. यू नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी वॉट आई एम डूइंग नेक्स्ट. अभी भी बेचारे बहुत इंपेशेंट हो जाते हैं, बट अब वेन यू हैव एन अवार्ड लाइक अ ट्रेंड सेटर, यू हैव टू लिव अप टू एवरीथिंग, यू नो. तो आप कोई गलत कदम नहीं उठा सकते. तो इन टर्म्स ऑफ वर्क ऑल्सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी पेशेंट, बिकॉज मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जहाँ मैं बाद में सोचूँ, ओ आई कुड हैव डन बेटर. रिग्रेट्स नहीं रखने हैं, इसलिए प्लीज़ कीप सम पेशेंस मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छा होगा. एंड यू विल सी मी बैक सून. ओके, लास्ट में सभी मैम सभी होली विश मांगते हैं, पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि होली के दौरान बहुत से जो एनिमल्स हैं उसके ऊपर क्रुएल्टी, इसलिए मैं इतना प्रमोट नहीं करती हूं. सो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे एज एन एक्टर, क्योंकि आपके बहुत ही फॉलोअर, बहुत जन आपको लुक अप करते हैं. मेरा सबसे पहली बात यह है कि आई पर्सनली होली बहुत लोगों को पसंद आता होगा, टू ईच हिज ओन, बट मैं पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ होली एज अ फेस्टिवल. आप होली को मनाने के बहुत तरीके हैं, आप अपने परिवार के साथ बैठिए, खाइए, मैं तो यही प्रमोट करूँगी भैया, खाइए, इंजॉय कीजिए, अपनी ज़िंदगी इंजॉय कीजिए, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. बट आई कैन टू फील द इन दिस होल प्रोसेस ऑफ दिवाली एंड होली, हम अपना वी फॉरगेट कि हमारे यहाँ पे वी आर इन अ सराउंडिंग, वी आर इन अ एनवायरनमेंट वेयर वी हैव टू थिंक अबाउट. एनवायरनमेंट में सिर्फ इंसान तो नहीं है ना, एनवायरनमेंट में एनिमल्स भी हैं, एनवायरनमेंट में और भी बहुत लोग हैं, और भी चीज़ें हैं, प्लांट्स भी हैं, नेचर है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू जेपटाइज दैट देन तो आप मतलब पता नहीं आपका संतुलन ही बिगड़ा हुआ है. तो मुझे ऐसा लगता है कि होली मनाने का अच्छा तरीका या कोई भी फेस्टिवल मनाने का ये है कि आप अपने परिवार के साथ एंड जस्ट बी विद द लव्ड वंस. आई थिंक उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती. दैट्स इट. थैंक यू.